कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने आज जिला समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन किया। उनके साथ उनके पति सवैरमो विधायक अनुप सिंह उर्फ जय मंगल सिंह भी मौजूद रहे। बाद में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी पहुंची। नामांकन के दौरान पूर्णिमा सिंह भी मौजूद रही। मैमको मोड़ में उनकी कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। इसके साथ ही समाहरणालय के बाहर भी कार्यकर्ता तपती गर्मी में पसीना बहाते नजर आए। मीडिया से बातचीत के दौरान अनुपमा सिंह ने कहा कि एक पड़ाव मेरा पूरा हुआ है, अब अगले पड़ाव की तैयारी में हम जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी जूलू महतो के बारे में उन्होंने कहा कि वह भी एक प्रत्याशी हैं, वह अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में चल रहे विरोध पर अनुपमा ने कहा कि शुरुआत में विरोध होता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके हित के लिए काम हो रहा है तब वह साथ खड़े हो जाते हैं। विरोध खत्म हो गया है, पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं। चुनाव को लेकर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है, वह लोगों के बीच हमारे साथ जा भी रहे हैं और खुद भी कांग्रेस पार्टी के कार्यों के बताने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति किसी से डरी नहीं है, जब माँ दुर्गा नहीं डरी तो हम क्यों डरेंगे, हम भी उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि आज मजदूर दिवस है, मजदूरों के लिए बेहतर कदम उठा सके इसके लिए आज नामांकन का दिन चुना है। अनुपमा सिंह के पति विधायक अनुप सिंह ने कहा कि महागठबंधन की जीत इस चुनाव में सुनिश्चित है। अरे उधर रहिए, पीछे रहिए। एक पड़ाव हमारा पूरा हुआ, अब आगे 25 तारीख है। जब भी हाँ, लाइव लाइव जा रहा है, कटी ना लाइव कर रहा है। बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को कहाँ मानते हैं आप? वीडियो सीरीज बता रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। देखा जा रहा था बीच में विरोध का भी स्वर थे लोगों के, कार्यकर्ताओं के बीच में, तो आप उसमें कैसे लोगों को एकजुट करने में? शुरुआत में तो विरोध होता है, धीरे धीरे जब लोगों को पता चलता है कि हमारे हित के लिए काम हो रहा है, अपनी जनता के लिए काम हो रहा है, तो फिर सब अपने हो जाते हैं। नारी शक्ति तो किसी से आज तक डरी है नहीं, जब माँ दुर्गा नहीं डरी तो फिर हम लोग भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे। आप लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए, कल मेरा आज मेरा नॉमिनेशन था, कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, मेरे लिए काफ़ी काम का दिन था, पर फिर भी मैं सुबह से चंदन क्यारी के 20 गांव में, आज बहुत कम धूप है, कल बहुत ज़्यादा था, आप पता लगा लीजिएगा, कल 44 डिग्री टेम्परेचर था। मैं 20 गांव पूरे पद यात्रा मैंने किया, जगह जगह मैं गई, लोग धूप से वो हो रहे थे लेकिन फिर भी लोग मेरे से मिलने के लिए मेरे पास आ रहे थे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है। आगे मेरे पास और भी 20-25 दिन है, तो आगे और महिलाओं का रुझान कैसा है? महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं, उनकी आंखों में एक आशा दिख रही है, वो काफ़ी खुश हैं, मुझे लग रहा है कि हमारे लिए कोई आ रहा है। बीजेपी के नेता मोदी की गारंटी की बात करते हैं, आपके क्या इशू रहे? मोदी की गारंटी देखिए, आप लोग भी देख रहे हैं, 10 साल से हम लोग भी वेट कर रहे हैं, वो गारंटी कब पूरी होने, उसी की बात की है। आज आपको पता होगा आज मजदूर दिवस है, शायद इसीलिए मैंने ये दिन चुना और इसीलिए आज मैं ये नामांकन कर रही हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि मेरे मन में उनके लिए सेवा के लिए कितनी चाहत है। कहा ना, मैं महिलाओं के सम्मान के लिए आ रही हूँ, बच्चों की शिक्षा के लिए आ रही हूँ, युवाओं के रोजगार के लिए आ रही हूँ, बुजुर्गों के अस्पताल के लिए आ रही हूँ, धनबाद के विकास के लिए आ रही हूँ। हम लोग ने पहले भी बोला है कि हमारा परिवार धनबाद लोकसभा क्षेत्र से 365 दिन से जुड़ा रहता है और काम करते हैं, रुझान हमारे 365 दिन मिलते हैं तभी आज कैंडिडेट के रूप में, महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हमारे परिवार के एक सदस्यता को चुना गया है। निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि यहाँ पे महागठबंधन की जीत होगी। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की जनता को सम्मान देने का काम किया है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो अबू आवास हो, चाहे वो OBC रिजर्वेशन हो, चाहे वो आपको पारा शिक्षक हो, चाहे वो सैया सेविका हो, इस सब का लाभ मिलेगा और आप देखेंगे कि जनता उस केंद्र शासित जो सरकार है जिसने हेमंत सोरेन और आदिवासी भावनाओं से और मूलवासी और झारखंड के तमाम उन झारखंडियों से जो उन्होंने इज्जत करने का काम किया, झारखंड के इतने बड़े नेता एक मसीहा को जो डालने का काम किया जेल में, बिना उनके ऊपर कोई आरोप लगाए हुए, बिना उस आरोप के का जांच को पूरा किए हुए, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसका परिणाम हमारे प्रति लाभदायक होगा और जनता के प्रति लाभदायक होगा, महागठबंधन के प्रति लाभदायक होगा।